मुंबई कैसे जाए के बारे में भले काफी सारे लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुंबई जाने के बारे में मालूम ही नहीं है। आपको बता दें, ख्वाबों के शहर के रूप में जाना जाने वाला यह शहर भारत के औद्योगिक शहर के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसका पूरा नाम बम्बई है और बोलचाल की भाषा में इसे बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। आइए आप जान लेते हैं भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई कैसे जाए, मुंबई कैसे पहुंचे। भले ही आपको मुंबई के बारे में मालूम होगा कि आप अपने शहर से बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से मुंबई जा सकते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में मुंबई कैसे जाए इसके बारे में काफी विस्तार से जानने को मिलेगा, ताकि अगर आपकी कोई कंफ्यूजन भी हो तो आप इस वीडियो से वो कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मुंबई कैसे पहुंचे। सबसे पहले फ्लाइट से मुंबई कैसे जाए। मुंबई शहर में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का काफी फेमस हवाई अड्डा है, जहां से मुंबई मुख्य शहर की दूरी मात्र 8 से 10 किलोमीटर है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए देश के अनेकों छोटे से बड़े हवाई अड्डों से फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से मुंबई के सभी क्षेत्रों के लिए बस एवं टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी वजह से फ्लाइट के माध्यम से मुंबई जाने वाले लोगों को मुंबई साधन को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि शायद ही ऐसा कोई एयरपोर्ट होगा जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वायु मार्ग द्वारा न जुड़ा हो। तो ये हुई बात फ्लाइट से मुंबई कैसे आए। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रेन से मुंबई कैसे आए। मुंबई सेंट्रल नाम से प्रसिद्ध मुंबई का यह रेलवे स्टेशन देश के काफी सारे बड़े एवं छोटे रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर देश के सभी स्थानों से ट्रेन के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई शहर से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से मुंबई के अन्य स्थानों के लिए बस, ट्रेन एवं टैक्सी के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। तो ये बात हो गई ट्रेन के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि आप लोग बस से कैसे आ सकते हो मुंबई। मुंबई जाने के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात एवं कर्नाटक जैसे महाराष्ट्र के नजदीकी राज्यों से भी बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन राज्यों से संबंध रखने वाले लोगों के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्हें बस में सफर करना पसंद है तो वे अपने राज्य के प्रमुख शहर जहां से मुंबई के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वहां से बस पकड़कर डायरेक्ट मुंबई पहुंच सकते हैं। अन्यथा आपको महाराष्ट्र के नजदीकी राज्य या मुंबई के नजदीकी शहर में पहुंचकर वहां से दूसरी बस पकड़कर मुंबई जाना पड़ेगा। तो ये हो गई बस की बात। अब हम लोग जानते हैं आप लोग बाइक या कार से कैसे मुंबई आ सकते हो। मुझे विश्वास है कि बाइक या फिर कार के माध्यम से मुंबई जाने वाले पर्यटकों के मन में सड़क, पेट्रोल पंप, खाने पीने एवं रहने से संबंधित कोई प्रश्न होगा, क्योंकि सभी लोगों को काफी अच्छे से मालूम है कि मुंबई में इन सभी चीजों की कमी देखने को नहीं मिलेगी, और अगर इन सभी चीजों की जरूरत नहीं होगी तो उन्हें अपनी बाइक या कार से मुंबई जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक जगह से दूसरी जगह अपनी बाइक या कार से जाते हैं तो उन्हें इसके अलावा अन्य चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर भी अगर आपको अपनी बाइक एवं कार के माध्यम से मुंबई जाने से संबंधित कोई भी सवाल होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसका जवाब देने के लिए। दोस्तों, अगर आपके शहर से मुंबई की दूरी बहुत ज्यादा है तो आप अपनी बाइक या कार की सर्विसिंग करवा लें, ताकि इस सफर में आपको ज्यादा कुछ तकलीफ ना हो। तो आई होप आपको मुंबई के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली, यहाँ पर कैसे आ सकते हो उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली। अगर मुंबई में आने के बाद आप लोग कौन से प्लेस विजिट कर सकते हो इसके बारे में आपको जानना है तो आप लोग मेरे इस चैनल पर विजिट कर सकते हो। मैंने मुंबई के बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर किया हो यहाँ पर
बहुत सारे विजिटिंग प्लेस है, आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा अभी तक तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में मिस ना हो पाए। तो आई होप अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कुछ भी सवाल होगा तो, नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाओ या कुछ मुंबई के बारे में सवाल होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो इतना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।